आयोग इसके बारे में कोई बात करेगा या रिश्वत बांटी जा रही है कि अंगूठी हमने पहनाई है तो वोट हम ही को देना। कुछ इसी तरह की रिश्वतें, कुछ इसी तरह की बातें। भारत से चाहूंगा प्रधानमंत्री बोली से 4.5 करोड़ महिला उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। क्या जब अपने जन्मदिन पर अपनी भारतीय जनता पार्टी से ये सारा दान करा सकते हो राहुल गांधी से डर के, क्या उज्ज्वला के 4.5 करोड़ वो अंगूठी में नहीं ना? लेकिन यहाँ सोना बांटने के नाम पर चुनाव जीतने की कवायद केवल राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का जितना साउथ की स्टेट है क्या इजाजत है आजाद हिंद आवाज इनको इजाजत देता है? जी हाँ, उनका ऐलान हुक्म होता है कि मेरे जन्मदिन पर जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको 2-2 ग्राम की सोने की जो है अंगूठियां दी जाएंगी और दिल्ली को मिलेगी सोने की अंगूठी। दिल्ली में खिलाई जाएगी विशेष थाली। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक भी एक दिन को खास बनाने के लिए स्पेशल थाली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कनॉट प्लेस स्थित अर्डोर 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाली बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी। ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज दोनों का विकल्प होगा। हिंदू प्रधान नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं, जी हाँ मैं मौम को भी पत्थर कर दूं, ये अंदाज है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी का अंदाज तो सबको पता है, भारत जोड़ो यात्रा का अंदाज सबको पता है। लेकिन असली बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो उस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी अपने टुच्चे हथकंडों पर उतर आई है। जी हाँ, बात होने लगी है कि भाई जो है भारत के प्रधानमंत्री अजीमुशान शहंशाह प्रधानमंत्री जो हैं इस अदालत में इस खबर में आना चाहते हैं, क्या इजाजत है? आजाद हिंद आवाज इनको इजाजत देता है। जी हाँ, उनका ऐलान हुक्म होता है कि मेरे जन्मदिन पर जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको 2-2 ग्राम की सोने की जो है अंगूठियां दी जाएंगी और दिल्ली में विशेष थाली खिलाई जाएगी। ये खबर इंडिया टीवी की तरफ से डाली गई है। इस खबर को पहले तो पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद इसका जो है पोस्टमार्टम करना चाहूंगा। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी बर्थडे, पीएम मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, दिल्ली में खिलाई जाएगी विशेष थाली। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक भी एक दिन को खास बनाने के लिए स्पेशल थाली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कनॉट प्लेस स्थित अर्डोर 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाली बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी। ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज दोनों का विकल्प होगा। हिंदू प्रधानमंत्री मांसाहार करा रहा है, ये भी सुन लीजिए। लेकिन मजे की बात इसके बाद भी आने वाली है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। इस मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा विशेष थाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 दिसंबर पर देश भर के कई आयोजन होने वाले हैं। कहीं रक्तदान का आयोजन किया जाएगा, कहीं सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में कुछ अलग हटके किया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट 17 सितंबर को नवजात बच्चों को सोने की अंगूठियां दी जाएंगी जो 17 सितंबर को पैदा होंगे तमिलनाडु में। इस दिन जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें लगभग 2 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी। इसके साथ ही 720 किलोग्राम मछली भी बांटी जाएगी। मत्स्य पालन और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि हम चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है जहां
पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। हर एक अंगूठी पर करीब 2 ग्राम सोने की होगी, जिसकी कीमत 5,000 होगी। गोल्ड का रेट आपको पता है कितना चल रहा है, 50,000 रुपये, तो 1 ग्राम की कीमत हुई 5,000 रुपये। ये बता रहे हैं 2 ग्राम की कीमत 5,000 रुपये, या तो 2 ग्राम में 1 ग्राम की 5,000 बोलते, ये आप कुछ बोलते, लेकिन ये सही जानकारी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस चीज़ को पकड़ लिया गया है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक ने भी इस दिन को खास बनाने के लिए स्पेशल थाली लॉन्च कर दी है। सबको खिलाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है तो सबको खिलाना भी चाहिए। पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी से, 4.5 करोड़ महिला उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं, क्या जब अपने जन्मदिन पर अपनी भारतीय जनता पार्टी से यह सारा दान करा सकते हो राहुल गांधी से डर के, क्या आप उज्ज्वला के 4.5 करोड़ वो सिलेंडर नहीं भरवा सकते थे जो खाली पड़े हैं बस एक बार में लेकर के? प्रधानमंत्री मोदी जी की सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर के खिंचाई चल निकली है। सोशल मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने लगे हैं, या मैं ये बोलूं कि किरकिरी होने लगी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि इस किरकिरी में जब भूपेश बघेल शामिल होते हैं और जब बयान देते हैं तो वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी के कपड़े उतरते हुए नजर आते हैं। भाई उनके पास अफराध पैसा है, वो सभी बच्चों को पूरे देश भर के बच्चों को बांटे हैं, अच्छी बात है। तमिलनाडु की क्यों, पूरे देश भर के बच्चों को बांटे, उनके पास तो इतना पैसा है, सब विधायक सांसद सबको खरीद रहे हैं, तो अंगूठी दे देना कौन सी बड़ी बात है। बयान आपने देख लिया होगा दोस्तों, मुझे राम अवतार फिल्म का एक गाना याद आता है, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, लेकिन यहाँ सोना बांटने के नाम पर चुनाव जीतने की कवायद केवल राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का जितना साउथ की स्टेट में जन समर्थन बढ़ रहा है, वहाँ सोने की अंगूठियाँ बांटने का प्रोग्राम चल रहा है। क्या ये चुनाव आयोग को रास आ रहा है, या चुनाव आयोग इसके बारे में कोई बात करेगा, या रिश्वत बांटी जा रही है कि अंगूठी हमने पहनाई है तो वोट हमी को देना, कुछ इसी तरह की रिश्वतें, कुछ इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चैलेंज करती है कि हम खरीद लेंगे। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील या सुप्रीम कोर्ट का जज इस पर संज्ञान लेगा? जुडिशरी तो पूरी तरह से एकदम से बेनकाब हो चुकी है, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना और अंगूठी में चुनाव के वोट, बस वही हाल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। किस तरह से सुधरेंगे? बघेल ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बांटनी है अंगूठियां तो अपने 17 सितंबर को सारे देशवासियों के जो बच्चे पैदा हों उनको अंगूठियां बांट दीजिए। फिर गड़बड़ घोटाला यानी कि कैलकुलेशन में भी समझ में आ जाता है, झूठे मोदी झूठे वादे झूठे इरादे, समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी से इतना डर क्यों है। राहुल गांधी को जितना प्यार भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहा है, शायद मोदी उससे घबरा गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।